कॉल करो। ठीक सही कर रहे हैं हम। ये लो। पापा। एलिना। अरे बेटा मासी जी जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आइए। इधर आइए। दिखाइए दिखाइए मासी जल्दी। आइए। अरे कुछ नहीं हुआ है। अरे कहाँ कुछ नहीं हुआ है, दिख नहीं रहा आपको, खून बह रहा है। पापा चलेगा, कुछ नहीं हुआ। अरे लगा ना। चलेगा ना। ला हम लगाते हैं। ला अरे छोड़िए मासी इसे। हेलो वीडियो बाबू, एक और ड्रेस का फोटो भेजे हैं हम, वो देख के बताइए ना कैसा है। हम कहा आपका ड्रेस चुनने बैठे हैं, खुद से लटकाए नहीं कर लेती। प्लीज हम कभी और भी काम है। अच्छा लगता है आप बिजी हैं, हम बाद में फोन करते हैं। पापा कुछ नहीं हुआ, अब मत घबराइए। अरे बेटा निम्की आपको ऐसे ही पट्टी बांधती थी ना जब भी आपको चोट लगी थी। कहाँ करा टिंकू, कितना बैंडेज लगाएगा? कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है पापा। पापा मैं निम्की को बहुत मिस करती हूँ। हम भी बेटा। दीदी कोल्ड ड्रिंक। मगर हम लोग तो मंगवाए ही नहीं। तेजर सिंह जी भिजवाए होंगे। जी ये तो दुकान के मालिक ने भेजा है। अब तेजर सिंह जी के गेस्ट है तो हमारे भी गेस्ट हुए ना, लीजिए। ये हुआ ना बात, पापा ऊंचा लोग का तो इज्जत ही अलग होता है। हमारे लिए जी अभी लाते हैं। जल्दी ले आइएगा, मेन हीरोइन हम ही हैं। देखिए ना भैया कैसे लग रहे हम। गजब। ये वाला बहुत अच्छा लग रहा। बाबूजी भी कम नहीं है, ऐसे स्मार्टली अपना कोल्ड ड्रिंक हमरे लिए छोड़ के गए हैं। ये आप ही का बॉटल से पी रही है। हम सब समझते हैं, फिल्म ताल वाला सीन कर दिए आप तो। हम ऐश्वर्या राय और आप अक्षय खन्ना। हमसे अभी सब नाटक और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। या तो वो लड़की यहां से चली जाए ना तो हम चले जाएंगे। को पता था कि आपका ये ड्रामा शुरू हो जाएगा, यही लेकिन हम यहाँ आए थे। चिट्टी अरे समझाओ अपनी अम्मा को। अम्मा रहने देना, बाबूजी को राजनीति का जवाब राजनीति की भाषा में ही देंगे हम। बप्पू सिंह तुमसे ही वादा करते हैं अम्मा, तेतर सिंह को
सत्ता का सुख भोगने नहीं देंगे हम। अरे ये किसका है? तो बहुत ही सुंदर साड़ी है। का है? वो मैडम आपके लिए भेजी है। मम्मी जी क्या हुआ, साड़ी पसंद नहीं आया आपको? ओ बेटा दरअसल आज सुबह से ना इनका तबीयत ठीक नहीं है। नहीं नहीं, गलती तो हमरा भी है। अब हमरा पसंद किया हुआ साड़ी हम किसी और के हाथ से दिखा रहे हैं तो बुरा तो लगेगा ही ना। रुकिए, हम खोल के दिखाते हैं साड़ी, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। अरे हम खुद चूज किए हैं। हमरी माजी को ना मुफ्त का कुछ नहीं चाहिए। मुफ्त का क्या बात है, अब तो रिश्तेदारी है भाई। वैसे भी हम ही घर की बहू बनने वाले हैं। सुनिए भैया, ये जो साड़ी है ना ये बाकी का साड़ी के साथ बांध दीजिएगा। होने वाले फादर इन लॉ आपके लिए हम ई लाए हैं, देखिए जब बारात लेके आएंगे ना तो ये जरूर पहनिएगा। बाबूजी के लिए भी सोचे थे पर उनका शेरवानी के साथ जचेगा नहीं, है ना बाबूजी? खुश रहो। चलिए हम चलते हैं, हमारा तो सब हो गया तो। हाँ आज्ञा दीजिए जी। प्रणाम। अरे रुकिए, आपको तो बाय बोलना भूल ही गए हम। अरे को और बात, वो क्रीम वाला शेरवानी हमको भी बहुत अच्छा लगा। दीदी क्या कर रही हो, चलो। चल बाय जी। लीजिए आपका बिल। अपना शादी का शॉपिंग करने आई थी, पूरा घाट तोला का। चिंता का कोनो बात नहीं है बेटा, समय आने दो। एक एक पाई सूद समेत वसूलेंगे। अभी जाओ जाओ जाओ, पे कर दो। हुआ टुन्ने, ऐसे यहाँ बाहर काहे बैठे हो? ए जाओ यार, हम अंदर बैठे चाहे बाहर, तुम्हारा बाप का क्या जाता है? अरे गुस्सा काहे हो रहे हो, हमने तो प्रेम से पूछ लिया और तुम तो निमकी का घर का रखवाली करने को बोली है। कह देना हमको कहे, ऐसे लग रहा है ना कि तुम हमसे पूछ नहीं रहे हो, हमको छेड़ रहे हो। देखो बाबू चुपचाप चले जाओ, नहीं तो मार कीटा से ना कपारे फाड़ देंगे। गांव के सामने मजाक बन गए, शादी के लिए शॉपिंग करने चली गई। अरे का इतना जल्दी था है? एक दिन रुक कर हमारा इमोशन नहीं समझ सकती थी? क्या करें हम, हमको तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है। तो वो काम करते निमकी को ना, निमकी को जान से मार देते, खुद
खुद पंखा पलटक जाएंगे। साथ जी नहीं सकते तो क्या हुआ, साथ मर तो सकते हैं। कहाँ बड़बड़ा रहे हम, कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं? अरे निम्की को मारने का बात कर रहे हो, इससे बढ़िया तो हम अपने आप को मार ले, ना रहेंगे हम पर ना रहेगा हमारा दर्द। क्या डर ले भैया, यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? हाँ, हमने वापसी का इंतजार। अरे हम बोल के गए थे ना कि टुन्ने के लिए कुछ उस पैसे लेते हुए आएंगे, है ना टुन्ने? इसीलिए टुन्ने पहले से ही आके बैठ गया। अब तुम यहाँ खड़े काहे हो? चलो अंदर, तुमको दिखाते तुमने लिए काल आए। चलो यहाँ चुपचाप हमने सामने खड़े रहो और आंखें बंद करो। बंद करो आंखें। तुमने भैया, निमकी दीदी तुम्हारे लिए कुर्ता लाई है। अरे मुंह बंद ही नहीं सकते तुम्हारा, पूरा सस्पेंस खराब कर दिया। अच्छा तो ये टुनवा के लिए तुम जो है मोनू को मारोगी और बदले में हम टुनवा के साथ क्या करेंगे तुम जानती हो ना? पापा अपना बेटा को यहाँ से चुपचाप ले जाइए, हमको टुने से बात करना है। अरे मगर। अरे क्या मगर, निमकी जो बोली सुन लिया ना, अब जाइए भाई। चलो टुन्ने, तुम ये समझो कि तुम कुर्ता वाला बात सुने ही नहीं। हाँ अब आंखें बंद करो फिर से। अच्छा ठीक है। इलो रे वाह, अरे ये तो कुर्ता है। अच्छा है ना? अरे कुर्ता पहन के देख लेना, कहीं छोटा ना हो। नहीं पापा, हमको टुन्ने का साइज मालूम है, एकदम परफेक्ट फिट होगा। हम तो ये भी जानते हैं कि टुन्ने का शादी के बाद उसका वाइफ को हम ही सब कुछ सिखाएंगे। ए राम बच्चन, पटना से आ गए? हाय, काले हल्दी के लिए पूरा गांव में घूम घूम के लेडीज लोग को बुलाटा दे दिए हैं। बाकी बाप रे बाप, कितना सामान सब खरीद के लाए हो तुम लोग। चाची हाँ। ये देखो, ये दीदी का हल्दी का कपड़ा है। बाप रे कितना सुंदर। हाँ और ये वाला चाची, ये देखो निमकी हमारे लिए कुर्ता लेके आई है। ए राम बच्चा, हमारे लिए पटना से कुछ नहीं लाए। लाए तो है चाची, मगर देंगे नहीं। ये लीजिए आपके लिए। हमारे लिए? अरे आई रंग कौन पसंद किया तुम? हाथ लगाते पता चल जा रहा है कि बहुत दामिल साड़ी है। कितना सुंदर साड़ी है। हम ना तुम्हारे चाचा को कई बार बोले थे कि ऐसा सुंदर कढ़ाईदार साड़ी हमारे लिए ला दीजिए, बाकी लाइबे नहीं की। ए राम बच्चन, इतना महंगा साड़ी लाने का क्या जरूरत था? हम पहन के आते हैं। पापा कहीं जाकर छुप जाइए। क्या है? एक चाची वापस आकर ये ना बोल दे कि राम बच्चन हमरे मांग में सिंदूर भी भर दो। ये देखिए दादी हमरा साड़ी कैसा है। सब अपना अपना साड़ी दिखा रहा है, हमरा साड़ी कहाँ है? अपना बेटा से कहाँ नहीं पूछ रही है? अपने पतोहू का कपड़ा चुनने में व्यस्त थे, ये ख्याल थोड़ी ना था कि घर में माई है उसके लिए भी कुछ कीन दे। का मतलब है?
मतलब आप लोग माई का साड़ी नहीं लिए? कैसे करते, हम तो आपका बहू का कपड़ा चुनने में न व्यस्त थे। आपके बेटा अपना समधी या बहू के खातिरदारी में व्यस्त थे। और का? तीन बेर कोल्ड ड्रिंक पी गई वो लड़की, तो हम पप्पू का शादी में का पहनेंगे? माई का साड़ी लेने का ध्यान नहीं रहा आपको, पर बाकी ड्रामेबाजी में ठीक ठाक दिमाग चल रहा था आपका। अच्छा, का ड्रामा किए हम बताइएगा जरा, का ड्रामा किए? एक तो बिना बताए उन लोग को बुला लिए और हमको सुना रहे हैं। का मतलब, वो निमकी अभी आई थी का? तो पूरा फैमिली के साथ दादी। पूछे अपने बेटा से, चुपके से बुला लिए थे उन लोगों को। आजकल ना बहुत कमाल का काम कर रहे हैं आपके बेटा। पहले से बता देते तो आप चलती कहाँ साथ में? हाँ नहीं चलते हैं, कहे से ना हमारी भी इज्जत है। बाबूजी उन लोग को बुलाना ही था तो अलग से बुला लेते ना। वैसे जो हो रहा है ना वो देख के तो लगता है कि अब जो निमकिया कहेगी वही होगा ही घर में। ए, मुंह मत बाओ, चल उड़प, जा अपने कमरे में। अरे का है, हर बात पे तमाशा कर रही है, हैं? ठीक ठाक हो जाने दीजिए ये शादी, समझ गई ना? उसके बाद आपका हर शर्त मानने के लिए तैयार है। चिट्टी बेटा, अरे समझाओ समझाओ ना अपनी अम्मा को। अम्मा लीजिए आपके लिए। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है भाई। हम कभी कुछ भूले हैं आपके लिए? आपके बेटा जैसे नहीं है। हाँ निमकी बेटा, निमकी बेटा, हम तो बस आपको थैंक यू बोलने के लिए फोन किए थे। आप हमको कितना अच्छा अच्छा कपड़ा दिलाए हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे बेटा तुम तो अभी परिवार का हिस्सा हो। Exactly. इसीलिए तो हम आपका बेटा से शादी करने के लिए तैयार हुए हैं। हवेली का बहू बनेंगे तो हमको भी अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने को मिलेगा, है कि नहीं? बेटा तुम चिंता मत करो, तुमको हम राजकुमारी बना कर रखेंगे, राजकुमारी। कसम से आप वर्ल्ड के बेस्ट फादर इन लॉ है। ठीक है बेटा, अब बहुत रात हुआ है, अब सो जाओ। बाबूजी कहाँ है? ओह सॉरी, हमको आपसे ये सब नहीं पूछना चाहिए ना। आप सो जाइए, गुड नाइट। आपका हमको आपको ये भी पूछना था कि हम आपको कब बुलाए, मतलब कि फादर इन लॉ बहुत लंबा हो जाएगा ना, और ससुर जी, नहीं नहीं नहीं, ससुर जी पे बहुत ओल्ड फैशन है। बाऊ जी, अरे नहीं, बाऊ जी भी बहुत पुराना हो गया है। कहाँ बुलाए आपको? हम आपको पापा बुलाएंगे। पापा? ठीक है, पापा बुलाएंगे। गुड नाइट पापा, थैंक यू। गुड नाइट पापा।